एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने जा रहे हैं एक चॉकलेट रोल जो कि बहुत ही सिंपल है। हार्डली 10 टू 15 मिनट्स लगेंगे आपको वो बनाने के लिए, और उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर कुकीज ले रही हूँ, ओरियो कुकीज। आप किसी भी कुकीज से बना सकते हैं इसको, बस वो कुकीज सॉल्टेड नहीं होनी चाहिए। और मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर ब्रिटानिया गुड्डे कुकीज, ताकि आपको मैं बता सकूं कि इसके लिए आप जरूरी नहीं है कि आप ओरियो कुकी ही लें, आप कोई भी कुकी इसमें यूज कर सकते हैं। फेरेरो रोशर चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसको एज अ फिलिंग यूज करने वाली हूं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट ली है, हाफ कप मैंने डार्क चॉकलेट ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर जो कुकीज हैं उसके अंदर से क्रीम को अलग से निकालना है, और सिर्फ कुकी को आपको इस तरह से बोल में डाल लेना है। यहाँ पर मैंने ये 20 कुकीज लिए हैं, आप इसी तरह से सभी कुकीज में से क्रीम अलग कर लें। ये देखिए, मैंने सारी कुकीज की क्रीम निकाल के अलग रख ली है। हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको आगे अपने रोल में यूज करेंगे। इसी तरह मैं इसमें ये कुछ गुड्डे कुकीज भी ऐड करने वाली हूँ। अब हम इन कुकीज को जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कुकीज अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं। अब मैं इनको एक बोल में निकाल लेती हूँ। क्योंकि कुकीज में ऑलरेडी शुगर है, तो हमें यहाँ पर शुगर ऐड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हमारा पाउडर इस तरह से है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा दूध डालकर इसको एक डो की फॉर्म में बना लूंगी। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दूध नहीं डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। ये देखिए, हमारा डो बिल्कुल रेडी है। एक पार्चमेंट पेपर ले लेते हैं, इसमें हम अपना डो रख लेंगे और हम डो को रोलिंग पिन की हेल्प से फ्लैट कर लेंगे। बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है हमें इसे। अब हम जो ये हमारी फेरेरो रोशर है, इनको मैं माइक्रोवेव कर लूंगी 1 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारी फेरेरो रोशर्स मेल्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देती हूँ। अब हम इसको इस डो के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। ये रोल बहुत यमी लगता है और बहुत ही सिंपल है। कभी गेस्ट आने वाले हैं, या कोई भी ओकेजन है, या किड्स को लिए कुछ स्पेशल आपको करना है, तो आप इसको जरूर ट्राई करिए। ये बहुत इजीली बन जाता है, और इसको बनाने के लिए घर में आई गेस चॉकलेट और कुकीज तो ऑलमोस्ट सभी के पास होती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स कहीं मार्केट से लाने हैं। अभी जो हमारी कुकीज की क्रीम बची थी, उसको हम इस तरह से लगा देंगे। अगर आपको ज्यादा चॉकलेट अच्छी लगती है, तो आप थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप आमंड्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको रोल करना है। आपको रोल करते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि आप इसको इस तरह से रोल करें और टक करें अंदर, और ये पेपर को, पार्चमेंट पेपर को हटाते रहें। ये देखिए, इस तरह से आपको अंदर टक करना है, देन रोल करना है और पेपर को यहाँ से रिलीज करना है। अब हम इस रोल को फ्रीज करेंगे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। ये देखिए, हमारा चॉकलेट रोल अच्छे से फ्रीज हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर निकाल के रख लेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास क्रीम है 1 कप, इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी, ताकि हम अपने चॉकलेट की गार्निशिंग बना सके। कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरी है, इनका फ्लेवर भी चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा लगता है। हम इनको भी स्लाइस कर लेते हैं। हमारी क्रीम बॉईल हो गई है। ये कुछ डार्क चॉकलेट चंक्स हैं और ये व्हाइट चॉकलेट चंक्स हैं। इन दोनों में हम अपनी क्रीम को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बॉइल्ड क्रीम है, इसलिए आपकी जो चॉकलेट है वो इजीली मेल्ट हो जाएगी। इसे मिक्स कर लें आप। इसी तरह से व्हाइट चॉकलेट को भी मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक टिन के ऊपर वायर रैक लगा ली है, ताकि हम इसमें चॉकलेट को अच्छे से ड्रिप कर सके। रैक के ऊपर आप ऐसे इसको रख लें, उसके बाद अब आपको इसके ऊपर चॉकलेट ड्रिजल करनी है। अब हम इसको इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसमें व्हाइट चॉकलेट को ड्रिजल करेंगे। अब हम इसके ऊपर ये व्हाइट चॉकलेट को थोड़ा थोड़ा ड्रिजल करेंगे। मेरे पास ये कुछ स्लाइस्ड आमंड्स हैं, इनको भी मैं
इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। हमारा चॉकलेट रोल बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है ताकि जो भी एक्सेस चॉकलेट है वो ड्रिप हो जाए, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। हमारा चॉकलेट रोल बिल्कुल रेडी है, चलिए इसको कट करते हैं। दिस इज द रिजल्ट। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।